जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे डिवाइन क्रिएटर्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल जाए। और आप लोग वीडियोज़ शेयर नहीं करते तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर किया करें, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं नॉलेज इकट्ठा करके आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ आगे भी शेयर किया करें ताकि इससे और लोगों में भी हेल्प हो सके। सो साथ में मेरी भी हेल्प होगी, चैनल की भी हेल्प होगी ताकि चैनल ग्रो करे। सो इसी तरह ही काम चलेगा। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपसे आपकी हेल्प करनी है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। कि अगर आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, आप लोगों ने खुद ही पूछा था कि सर हम मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, लाइक हमारा एक अकाउंट जो है फाइवर का या फिर फ्रीलांसिंग जो भी अकाउंट है लाइक अपवर्क का है, तो क्या हम वहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं? तो उससे रिलेटेड जो मेरा जवाब है वो है यस। लेकिन अब आप लोगों ने जब मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं तो किस तरह से बना रहे हैं, वो किस तरीके को आपने फॉलो कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो तरीका कुछ इस तरह से है कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है, शायद आप लोग जानते भी हो कि मेरा जो पहला अकाउंट था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था और ऑलमोस्ट टॉप रेटेड होने वाला था, लेकिन परमानेंटली ब्लॉक हुआ। किस वजह से? कुछ इश्यूज थे क्लाइंट के साथ भी, और साथ में मैंने सेकंड अकाउंट भी बनाया तो इस वजह से विद सेम आईपी एड्रेस एंड इन द सेम लैपटॉप, तो इस वजह से वो ब्लॉक हो गया। तो अभी जो है मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने एक अकाउंट बनाया और डायरेक्टली लेवल टू तक गया। उसके बाद मैंने इन चीज़ों को मैंने नोट डाउन कर लिया था, तो इस वजह से वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि अगर आपने अपवर्क पे या फिर जो आपका फाइवर अकाउंट है वहाँ पे आपने अकाउंट्स बनाने हैं, फ्रीलांसिंग अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट्स, आपका एक अकाउंट अगर एक्टिव है तो आप उसके साथ दूसरा अकाउंट कैसे बना सकते हो, तो वो आपने ये तीन चार स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वो है, आपने एक अच्छी सी ब्रांडिंग कर ली अपने प्रोफाइल की, लाइक आप दूसरा अकाउंट बना रहे हो तो वो किन सर्विसेज के लिए बना रहे हो और उस पर आप अपना नाम यूज़ करोगे या फिर सर्विस का कोई नाम आप सिलेक्ट करोगे, तो वो आपने ब्रांडिंग अच्छी सी करनी है। एक लोगो आपने सेलेक्ट करना है, तो वो आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो हो गया कम्प्लीट। सेकेंड जो है वो क्या करना है आपने, कि आपका जो आपकी जो आईपी एड्रेस है या फिर इंटरनेट कनेक्शन है वो आपने चेंज रखना है फॉर सेकेंड अकाउंट। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो थर्ड पॉइंट है वो है, या आप लैपटॉप यूज़ कर कोई डिवाइस यूज़ करते हो लाइक मोबाइल हो गया, तो वो आपके डिफरेंट होने चाहिए, सेम लैपटॉप में ना बनाएं। ये जस्ट फॉर रिकमेंडेड तरीका है कि आप लैपटॉप हो आपका या फिर कोई सेकंड डिवाइस हो वो आप यूज़ करें। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा लाइक सब कुछ तो हो गया है, आपने लैपटॉप चेंज करना है, वो सेम जो लैपटॉप होगा या डिवाइस है वो आपने यूज़ नहीं करना, एंड आई पी एड्रेस आपने पुरानी वाली यूज़ नहीं करनी, आपने न्यू इंटरनेट कनेक्शन को लगा के सेकेंड अकाउंट क्रिएट करना है। और उसके अलावा आपका जो लाइक वो है आपकी जो ब्रांडिंग है वो आपने चेक करनी है कि वो अलग है कि नहीं वहाँ से, ऑफकोर्स वो अलग ही होगी, आपने सेम नेम एंड सेम पिक्चर यूज़ नहीं करनी वहाँ पर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे जो कि मैंने आपसे शेयर करने थे, और आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर कोई आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जाके कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं आपको आंसर्स दूंगा, जितने पॉसिबल हो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर करें और साथ में आपने क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।